हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ नॉलेज टीवी में। फ्रेंड्स, ड्राइंग के वीडियो बनाने के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए मैं फिर से ड्राइंग का वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपके जो ड्राइंग के साइंस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और एक एग्जांपल के साथ भी आपको बताऊँगा कि कैसे ड्राइंग पढ़ते हैं। इसे देख के भी आप आसानी से ड्राइंग पढ़ना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको किस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर पर दे रखा है रेडियस, जिसका सिंबल है आर, और इसमें आगे जो ड्राइंग में दिखाते हैं इस तरह से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे रेडियस बन रहा है, एक सर्किल का हाफ दिख रहा है आपको, और ये रेडियस है, आर 8 करके लिखा हुआ है। कुछ इसी तरह से एरो करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पे 8 की रेडियस है और नीचे देखिए ये 12 की, ये जो बड़ी वाली रेडियस है ये 12 की है। तो ड्राइंग में देखते ही हमको पता चल जाएगा कि कौन सी रेडियस है, क्योंकि उसके साथ में आपको मिलेगा आर और बाद में मिलेगी साइज। ठीक है, सेकंड नंबर पे बात करते हैं डायमीटर की। डायमीटर को थीटा से शो कर रखा है, और जैसे कि थीटा 8, ये जो छोटे वाला डाया है सर्किल का सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं वो है 8, और जो बड़े वाला डाया है वो है 15 का। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं स्क्वायर की, कि स्क्वायर को किस तरह से शो करते हैं। स्क्वायर का साइन है स्क्वायर का ही होता है, देखिए ये एरो करके और ये स्क्वायर दिखा रखा है यहाँ पर। ये 6.5 का स्क्वायर है जो को आपको दिखा रखा है, ऐसे स्क्वायर दिखाया जाता है। फोर्थ नंबर पे है टेपर। टेपर का जो साइन है वो आप देख रहे हैं इस तरह का होता है, और उस साइन के बाद में जैसे ये टेपर है यहाँ पे, तो उसका साइन देखे, और टेपर जो है वो है 1:4 का। ठीक है, इसी तरह से स्लोप, ढाल जो होता है स्लोप को शो करते हैं इस सिंबल से, स्लोप जैसा ही सिंबल बनाते हैं, और ये स्लोप है 1:3.5 का। तो फ्रेंड, ये बहुत ही आसान है, ये इन सिंबल्स को देख के आपको ड्राइंग काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को देख के आप आसानी से ड्राइंग पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है फीचर आइडेंटिफिकेशन। एक नंबर पे आप देख रहे हैं जिसका सिंबल ऐसे बॉक्स की तरह होता है, उस बॉक्स में इससे पता चल जाता है इसका फीचर क्या होता है, वो देते हैं। और 126.5 का है इसकी लेंथ जो बॉक्स में डाल रखी है वो। ठीक है, सेकंड नंबर पे डेटम, जो उसका तल होता है उसके लिए डेटम का संकेत है, वो इस तरह से होता है ट्रायंगलर जिसमें भरा हुआ होगा पूरा, ये देखिए ब्लैक कलर का हो रहा है। और इसका जो तल है वहाँ से दे रखा है ए, जो डेटम है वो ए है, जैसा आप ड्राइंग में देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है इक्वल, बराबर का जो सिंबल होता है इक्वल का ही सिंबल होता है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप इधर के जो हाफ साइड में इसके सेंटर में लेंथ खींच रखी है, उसके एक साइड में इधर के जो वैल्यू है वो भी इक्वल है दूसरी वाली वैल्यू के। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एंगल प्रोजेक्शन की। ये दो तरह के होते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो होता है उसमें जो हमारा एंगल है प्रोजेक्शन का वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मोस्टली इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो है वो यूएसए में यूज होता है, इंडिया में हमारे नहीं होता है। ओके, इसको थोड़ा और डीपली बताता हूँ। जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल को ध्यान से देख लीजिए और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल को भी देख लीजिए, इनमें थोड़ा सा अंतर है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो इसका फेस है बड़ा है, देखिए बड़ी साइड में, और उधर जाके इसकी डिटेल दे रखी है, मतलब जो इसका फेस पे जो दिख रहा है ना हमको वो दिखाते हैं इसमें, कि फेस की साइड से कैसा दिख रहा है, ये छोटा डाया बड़ा डाया, इसमें अंदर से होल है या शंकु है, तो इसके एक साइड का दिखा रखा है आपको एंगल। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देखिए इसमें जो छोटा वाला साइड है उस साइड से दिखा रखा है इसका ये डाया, जो फेस वाली डिटेल है वो दिखाते हैं एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, इस वीडियो को देख के आप अच्छे से समझ पाएंगे कि फर्स्ट एंगल सिस्टम और थर्ड एंगल सिस्टम, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दोनों में अंतर क्या है। देखिए, जब फर्स्ट एंगल जो प्रोजेक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनता है, और ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनता है। ठीक है,
अब इन दोनों को अलग अलग करके मैं दिखाता हूँ, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दोनों आपको साइड में दिखा रखे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जिधर से हम देखते हैं उसके अपोजिट साइड में हमारा व्यू होता है, ठीक है। देखिए ये जो हम देख रहे हैं और पीछे की साइड में बन रहा है प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल में टॉप होगा वो हमारी साइड ही होगा जिधर से हम देखते हैं, सिंपल सा फंडा है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें आसानी से क्लियर हो जाएगा देख के कि किस क्या होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मोस्टली यूज होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में और थर्ड एंगल होता है यूएसए में। ओके, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं होता, जिसके आर पार नहीं दिखता, ठीक है। लेकिन सामान्यतः जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, थर्ड एंगल उसमें वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार हम देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसके टॉप व्यू फर्स्ट एंगल का और थर्ड एंगल का टॉप व्यू हम देखेंगे तो ऊपर से हमारी साइड ही बनेगी। ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो फोल्डिंग लाइंस है अगर इनको हम काटते हैं तो देखो सीधा करने पे किस तरह से दिखाई देगा। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू हमने दिखाए हैं, कुछ इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। वैसे ही थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम है, उसमें देखिए उनकी फोल्डिंग लाइन को काट के सीधा करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने एग्जांपल आपको पहले दिखाया था उसी एग्जांपल को आप देखिए, फर्स्ट एंगल सिस्टम में कुछ इस तरह से और सीधा करने पे ऐसे, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में देखिए बहुत आसान है। तो आप समझ गए होंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सरफेस टेक्सचर की, जो हमारा जॉब है उसकी सरफेस कैसी है, उसकी सतह कैसी रफ है, कितनी फिनिश है, उसके लिए सरफेस टेक्सचर होता है, सरफेस फिनिश जिसे बोलते हैं। तो ये होता है मेनली रफ कास्ट, फाइन कास्ट, डाई कास्ट, रफ मशीन, मीडियम मशीन और फाइन मशीन। रफ कास्ट में जो कास्टिंग होती है उसमें रफ कास्टिंग, कास्टिंग में भी दो टाइप की फिनिशिंग आती है ना, एक फाइन कास्टिंग, कास्टिंग में भी फिनिश, और एक डाई कास्टिंग की फिनिशिंग। फिर जो मशीनिंग की हुई है, एक रफ मशीनिंग की जिसमें रफनेस ज्यादा आएगी, और मीडियम मशीनिंग उसमें और ज्यादा फिनिश हो जाएगी, और फाइन मशीन में अच्छी फिनिशिंग आएगी, ठीक है। तो सरफेस फिनिश के लिए स्टैंडर्ड जो सिंबल्स हैं वो ये हैं, आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर पे है बेसिक सिंबल, जो किसी भी टेक्निक के द्वारा अगर हमारी सरफेस की फिनिश मिल रही है उसके लिए हम ये यूज करेंगे। सेकंड नंबर पे जो है वो मॉडिफाइड सिंबल है, जो अगर मशीनिंग प्रोसेस के द्वारा हमको जो फिनिशिंग मिलती है उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। और थर्ड नंबर पे है वो भी मॉडिफाइड सिंबल है, ये जब होता है कि मटेरियल को बिना हटाए और हमको जो फिनिश मिलती है, जैसे कि इनिशियल कास्टिंग की होती है फिनिशिंग, उसके लिए ये सिंबल यूज करते हैं। नेक्स्ट है जो इनमें वेरिएशंस, जो स्टैंडर्ड सिंबल्स में वेरिएशन है उसको कैसे शो करते हैं। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं ये एक सिंबल है 3.2 और 1.6, मतलब 1.6 से लेके और 3.2 इसके बीच में हमारे सरफेस की फिनिश होनी चाहिए। ये सिंबल जो आप देख रहे हैं ये बेसिक सिंबल है। नेक्स्ट है देखिए 0.8 और 0.4, मतलब 0.4 से लेके 0.8 के बीच में हमारे सरफेस फिनिश होनी चाहिए, लेकिन ये मॉडिफाइड सिंबल है। और मॉडिफाइड सिंबल जो है ये यूज होता है मशीनिंग प्रोसेस के लिए, इसका मतलब हमारी सरफेस की फिनिश होनी चाहिए मशीन होनी चाहिए और 0.4 से लेके 0.8 के बीच सरफेस फिनिशिंग मांगी है। नेक्स्ट है वो भी मॉडिफाइड सिंबल है, लेकिन वो यूज होता है किसी भी तरह की, मतलब बिना मटेरियल रिमूव किए हमको सरफेस फिनिश चाहिए होती है, जिसमें भी ये दे रखा है इनके बीच में ही इसी टॉलरेंस में हमको सरफेस फिनिश चाहिए। ओके, इसी तरह से आप डाउन साइड में देख रहे हो वायर ब्रश, इसमें वायर ब्रश फिनिश चाहिए, मिलिंग से जो बनती है वो फिनिशिंग, और डाई कास्ट की फिनिशिंग,
ऑल ओवर फिनिशिंग ये देखिए 1.8 मांग रखी है, वैसे ही ऑल ओवर एक्सेप्टेड जो है या फिर स्टेट इतनी कितनी स्थिर रहनी चाहिए। 1.8 की सरफेस फिनिश मांगी है, सरफेस फिनिश को हम रफनेस एवरेज के नाम से भी जानते हैं आर ए। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ बेसिक सिंबल फॉर आर्क एंड गैस वेल्डिंग। आर्क और गैस वेल्डिंग के जो बेसिक सिंबल है वो इस तरह से, देखिए जनरल बट का जिसका सिंबल होगा जेड, ठीक है। स्क्वायर बट देखिए, स्क्वायर बट में जो जॉइंट होता है वो इस इमेज से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जिसका सिंबल है इक्वल को अगर परपेंडिकुलर खड़ा कर दे तो, ठीक है। सिंगल वी बट के लिए वी टाइप का साइन होता है, सिंगल बेवल बट के लिए वी जैसा ही होगा लेकिन एक साइड की लेग थोड़ी लंबी होगी, और सिंगल यू बट यू जैसा, और सिंगल जे बट जे जैसा। जैसे कि इमेज से आप समझ रहे हैं कि ये जॉइंट्स किस तरह से होते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इनको ड्राइंग के ऊपर शो किया जाता है, जैसे कि देखिए एरो के साथ में जनरल बट में जेड, और स्क्वायर बट में देखिए जो स्क्वायर बट का साइन है वो एरो के साथ में दिखा रखा है, कुछ इसी तरह से हमारे ड्राइंग में हमको दिखाया जाएगा। ओके तो फ्रेंड, ये हो गया आपके बेसिक सिंबल्स जो मैंने बताए। कुछ सिंबल्स अभी बच रहे हैं जो मैं धीरे धीरे ड्राइंग के एग्जांपल्स के साथ आपको बताता जाऊंगा। तो अभी बात करते हैं इस ड्राइंग की, जिसमें आपने क्या सीखा वो आपको अभी पता चल जाएगा। इस ड्राइंग के देखिए तीन सेक्शन दे रखे हैं, ठीक है। मैं इनको तीन अलग अलग पार्ट में बाँट के फिर बताऊँगा, और नीचे जो ड्राइंग का नेम वगैरह डेट वगैरह ये जो आते हैं वो मेरी पिछली ड्राइंग की वीडियो आप देखिए, उसमें आपको सब मिल जाएगा कि किस तरह से कौन सा मटेरियल है, कहाँ पे जिसने ड्राइंग बनाई वो, और किस डेट को ड्राइंग बनी, किसने प्रूव किया, ये सब कहाँ पे आता है, नीचे की साइड में जो भी है उसकी डिटेल्स मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है, प्लीज़ उसे देख लें। और बात करें इस ड्राइंग की, इसमें तीन सेक्शन, ये एक ही पीस है, ये एक स्क्रू है, ठीक है, जिसके अलग अलग व्यू दिखा रखे हैं, और मैं तीनों को अलग अलग बताऊंगा। पहले तो बता देता हूं कि ये किस किस का व्यू है। हमारा स्क्रू इस साइड में दिख रहा है आपको, मैं एरो से शो कर रहा हूं, और बीच में जो है इसके सामने का दिखा रखा है फेस पे, जो बड़ा वाला पार्ट साइड दिख रहा है आपको उसकी फेस की है, और जिसके अंदर बीचों बीच एक होल है, हेक्स प्रोफाइल है जिसकी, होल की हेक्सागोनल है, ठीक है, हिंदी में जिसे षटकोणीय कहते हैं, जिसमें छः कोण होते हैं। ओके थर्ड नंबर पे जो दे रखा है वह है इसी का फेस का ही है, जिसमें देखिए आपको ड्रिल की डिटेल दे रखी है, ड्रिल होगा वो 8 mm का होगा, और जिसका एंगल है वो 120 डिग्री का होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड, मैंने दिखा रखा है वो है इसका डाया, 19 mm का दिखा रखा है यहाँ पे डाया इन्होंने, ये ब्लैक एरो देखिए जहाँ से जहाँ तक है, जहाँ से चैम्फर आपका स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक, चैम्फर की वैल्यू निकालने के लिए इस डाया की आपको ज़रूरत पड़ेगी जो है 19 mm। ओके अब देखिए इस गोले में जो आपको दिखाई दे रहा है वो है इस स्क्रू की विड्थ, जहाँ पे ब्लैक एरो आपको दिख रहा है ब्लैक एरो जहाँ से स्टार्ट है जहाँ तक एंड है वहाँ तक इसकी विड्थ है वो है 6.4, जिसकी टॉलरेंस है माइनस में 0.2, प्लस में कुछ भी नहीं है, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी विड्थ की वो होगी 6.2 से लेके 6.4 तक हमको ये विड्थ बनानी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड, जो अभी आपने सीखा है सिंबल्स में, मैंने बताया था कि इसके सिंबल्स किस तरह से होते हैं रेडियस के, रेडियस को आर से शो करते हैं। तो देखिए ये एरो जहाँ पे है, जहाँ से ब्लैक एरो आ रहा है वहाँ पे रेडियस मांगी है 0.8 की, और नीचे देखिए 0.4 की रेडियस मांगी है। ओके नेक्स्ट फ्रेंड, मैं बात करता हूँ सरफेस फिनिश की। जैसे कि देखिए मैंने गोले में दिखा रखा है यहाँ पे, ये मॉडिफाइड सिंबल है सरफेस फिनिश के लिए, यहाँ पे आपको आर ए मांगी है 1.6 की, और ये कहाँ पे मांगी है, जहाँ पे मैंने रेड एरो शो कर रखा है वहाँ से देखिए ब्लैक लाइन सीधी आ रही है, और उस पर ये मॉडिफाइड सिंबल है सरफेस फिनिश वाला, मतलब यहाँ पे 1.6 की सरफेस फिनिश चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, ये 18 mm का डाया जो एरो से मैंने शो कर रखा है, जिसकी टॉलरेंस है माइनस में 0.2 और प्लस में कुछ भी नहीं है, और ये गोले में मैंने दिखा रखा है उस पार्ट का डाया जहाँ पे सरफेस फिनिश मांगी है। ओके फ्रेंड, टॉलरेंस के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप अभी टॉलरेंस के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि मैं टॉलरेंस से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करें। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, ये 1/2 इंची और 13 UNC की थ्रेड मांगी है, जो मैंने गोले में शो कर रखा है वहाँ पर, देखिए ब्लैक एरो भी वहीं पर है, ब्लैक एरो जहाँ से स्टार्ट होकर एंड हो रहा है वहाँ से फिर सीधी लाइन आ रही है, इसका मतलब ये इस OD पे मांगी है 1/2 इंच की 13 UNC की थ्रेड, जो हम डाई से भी बना सकते हैं और मैनुअल लेथ पे भी बन सकती है।
बात करें इसकी टोटल लेंथ की, जो इस पीस की टोटल लेंथ कितनी है वो दे रखी है 23.4 माइनस में 0.5 जो मैंने एरो से शो कर रखा है। देखिए नीचे ब्लैक एरो से दिखाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की लेंथ है, मतलब इस पीस की टोटल लेंथ यहाँ पे शो हो रही है और माइनस में 0.5 तक इसकी टॉलरेंस है, प्लस में बिल्कुल भी नहीं है, जीरो दे रखी है। ओके नेक्स्ट फ्रेंड ये है डाया 10.1 mm का, जिसकी टॉलरेंस है माइनस में 0.2 और प्लस में कुछ भी नहीं है। मैंने दो एरो इसलिए शो कर रखे हैं, देखिए जहाँ से ये ब्लैक एरो है स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट यहाँ तक का ये डाया है 10.1, ठीक है। नेक्स्ट ये 10.1 का जो डाया मांगा है उसकी विड्थ है 4 mm प्लस माइनस 0.2 इसकी टॉलरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने शो किए इस चैम्फर की विड्थ, स्टार्टिंग में जो चैम्फर है जिसका मिनिमम डाया जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 19 mm डाया के बाद में जो चैम्फर स्टार्ट हो रहा है उसकी जो विड्थ जेड की लेंथ हमको दे रखी है 1.2 माइनस में 0.2 जिसकी टॉलरेंस है, ठीक है। जब आपके पास चैम्फर का माइनस डाया 19 mm जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वो और जेड में जो लेंथ होगी वो दे रखी है आपको 1.2, ये दोनों होने के बाद में आप इसकी मेजर डाया आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आप बैक साइड में जो चैम्फर देख रहे हैं उसका एंगल दे रखा है 82 degrees जिसकी टॉलरेंस है प्लस में 1 degree और माइनस में 0 degree, मतलब 82 से 83 degree तक हम ये चैम्फर बना सकते हैं। और जिसके ऊपर देखिए 1.6 की सरफेस फिनिश भी मांगी है, जो सिंबल दे रखा है इसी के ऊपर देखिए। नेक्स्ट है चैम्फर जिसका एंगल दे रखा है 60 ± 1 degree जिसकी टॉलरेंस है, मतलब 59 degree से 61 degree तक हम इस चैम्फर को बना सकते हैं, जो कि मैंने गोले में शो कर रखा है। ओके नेक्स्ट देखिए ये विड्थ दे रखी है 1.8 की माइनस में 0.1 जिसकी टॉलरेंस है, मतलब 1.7 से लेके 1.8 तक हम इस विड्थ को बना सकते हैं, जिसके ऊपर 1.6 की सरफेस फिनिश मांगी है, मैंने गोले में दिखा रखा है। ओके फ्रेंड्स ये तो हो गया ड्राइंग के वन सेक्शन, और इसी सेक्शन का जो फेस है जब मैंने गोले में शो कर रखा है उसी का डिटेल दो सेक्शन अदर दिखा रखे हैं, जिसके फेस पे देखने से किस तरह से दिखाई देगा वो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड रेड कलर के गोले में मैंने जो शो कर रखा है ये उसी सेक्शन की डिटेल है जहाँ पे एरो है, ठीक है। इसका मेजर डाया भी हमको दे रखा है थीटा 23.7 माइनस में 0.2 जिसकी टॉलरेंस है, देखिए नीचे मैंने एरो से शो कर रखा है, ठीक है। और ऊपर इसके सेंटर में एक हेक्स बना हुआ है, एक होल करके और हेक्सागोनल शेप बन रही है, ये हेक्सागोनल शेप हेक्स की डिटेल दे रखी है कॉर्नर टू कॉर्नर जो डिटेल है वो 7.938 प्लस में 0.025 और प्लस में 0.175 इसकी टॉलरेंस है, ठीक है। और इंचेज में दे रखा है एनवी 5/16 inches। ओके फ्रेंड नेक्स्ट सेक्शन जो दे रखा है मैंने स्क्वायर में शो कर रखा है, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं दे रखा, लेकिन आपको ड्रिल की डिटेल दे रखी है कि ड्रिल होल डाया कितना है, 8 mm की ड्रिल से आपको होल करना है सबसे पहले, और उसका जो ड्रिल का एंगल होगा वो होगा 120 degree, ठीक है। और उसके देखिए जो डेप्थ है आपका जो हेक्स के जो डेप्थ है वो दे रखी है हेक्सागोनल शेप की डेप्थ 3.5 प्लस में 0.5 जिसकी टॉलरेंस है, और जो उसके बाद में ड्रिल की डेप्थ है वो दे रखी है आपको 4.5, ठीक है 4.5 mm प्लस में 0.5 जिसकी टॉलरेंस है माइनस में 0। ओके फ्रेंड्स फ्रेंड आशा करता हूँ कि आपको यह ड्राइंग अच्छे से समझ में आई होगी, वीडियो कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।